पत्नी अनुकूल नहीं है तो चिंता मत करो, तुकाराम जी महाराज की पत्नी अनुकूल नहीं थी, वो दिन भर सुनाती रहती थी, वो पूरे दिन प्रवचन करते रहते हो, भजन करते रहते हो, कथा सुनाते रहते हो, घर का कोई काम धंधा तुमसे होता नहीं, तुकाराम जी सुनते रहते थे, मन मन विचार करते थे, मेरे विठल आपने मेरी पत्नी को इतना प्रतिकूल बना दिया कि जो थोड़ा बहुत प्रेम इसके प्रति होना चाहिए वो भी आपको ही हो गया है, इससे होता ही नहीं, मुझे आपने प्रतिकूल पत्नी देकर के इसके हिस्से का प्रेम भी अपना बना लिया। तुकाराम जी की पत्नी ने एक दिन कहा, जाओ कुछ विक्रय करके आओ, व्यापार कर कुछ धन लेके आओ। गन्ना बेचने के लिए गए तुकाराम जी महाराज, जैसे ही घर से बाहर गए, थोड़ी दूर पर ही पहुंचे होंगे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, गन्ना खाएंगे गन्ना खाएंगे। तुकाराम जी ने फ्री में ही बच्चों को बांट दिए, एक बच गया। लौट करके आए तो पत्नी बड़ी प्रसन्न, बोले सारे गन्ने बेके आए आप? बोले देवी बेक नहीं पाया, छोटे छोटे बच्चे आ गए, हम गन्ना खाएंगे तो उनमें बांट दिया, एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है। पत्नी ने गन्ना लिया और जोर से घुमा के तुकाराम जी में ही मारा, दो टुकड़े हो गए उसके। तुकाराम जी खुश हो गए, वाह देवी तुम बुद्धिमान तो बहुत हो, मैं सोच रहा था एक गन्ना दो कैसे खाएंगे, तुमने दो कर दिए, लो एक तुम खाओ आधा मैं खाता हूं। भैया देखो संसार ऐसा है, संसार वैसा है नहीं, जैसा बना लो वैसा है, आप जैसा कर लोगे संसार वैसा। आप कितना भी बुरा मान लीजिए, आप एक काम कीजिए, कल का कहां से आवाज आ रही भैया, कौन ढोलक बजा रहो, नेक 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 शांति रखियो हैं। 2 बजे तक खूब बजाया करो, 6 बजे के बाद भी खूब बजाओ, बस ये 2 से 6 हमको बोलने दो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कल एक काम करना, सुबह उठते ही नकारात्मक दृष्टि रखना, जिसको देखो उसको गलती देखना, देखना शाम तक पूरी दुनिया ही नरक दिखने लगेगी आपको, लेकिन करना नहीं। पता क्यों? क्योंकि नकारात्मक भाव में जब आप प्रवेश करते हो ना तो बहुत लंबे समय तक प्रवेश कर जाते हो। सकारात्मक देखो, सब में गुण का दर्शन करो, सब में अच्छाइयों का दर्शन करो, सब में भावों का दर्शन करो, सब अच्छे दिखेंगे, सब में भाव दिखेगा। महाराज जी को अनुकूल हो तो यहां आगे बैठा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बस विराज जय विराज महाराज। तो जिन भैया का ये भाव है कि गृहस्थाश्रम में रहकर के ठाकुर जी का भजन कैसे करें, भगवत प्राप्ति करनी होगी ना तो कैसे भी कर लोगे, और नहीं करनी होगी तो विरक्त होकर के भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसी व्यवस्था अवस्था ठाकुर जी ने निर्माण कर दी है चारों ओर, उसी को स्वीकार कीजिए और उसी में ही ठाकुर जी की प्राप्ति करो। अपनी तरफ से कुछ विशेष करने का प्रयास मत कीजिए। स्वीकार कीजिए और उसी में ही ठाकुर जी की प्राप्ति करो। अपनी तरफ से कुछ विशेष करने का प्रयास मत कीजिए। पत्नी अनुकूल है तो दोनों मिलकर के भजन करो, और पत्नी प्रतिकूल है तो अकेले भजन करो। आश्रम में हमारे यहां कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। और इसमें अगर आप कहो कि महाराज जी हमारा गृहस्थाश्रम आके देखो, सब प्रतिकूल हैं, पत्नी भी प्रतिकूल, बच्चे भी प्रतिकूल, माता पिता भी प्रतिकूल, परिवार भी प्रतिकूल। एक बात याद रखिएगा, मैं कथा में कहा करता हूं, धारा जिस तरफ है
उस तरफ नाव यदि नाविक चलाने लग जाए तो ये नाव चलाने वाले की खूबी नहीं है। धारा जिस तरफ है नाव अपने आप चल जाएगी, लेकिन धारा की विपरीत में नाव चलाना ये नाविक की प्रमाणिकता बताता है। आप ये चाहते हो कि सब अनुकूल हो जाए और उस अनुकूलता में मैं भजन करूं, कोई बड़ी बात नहीं है। माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, भैया डॉक्टर, बहन डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर, तो फिर अपने आप डॉक्टर बनी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिताजी वकील, माताजी हाउसवाइफ, भैया व्यापारी, बहन बीटेक कर रही है, इंजीनियर, और तब आप सबसे अलग हटके डॉक्टर बन जाओ तो आपकी प्रशंसा की जाती है। ठीक वैसे ही अनुकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना ये बड़ी बात नहीं है, प्रतिकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति करना। ऐसे किसी भक्त को नहीं देखा जैसा प्रेम ठाकुर जी ने प्रहलाद को किया। प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, गले में अंक में भर लिया और जीव निकाल करके ठाकुर जी चाट रहे हैं प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि प्रहलाद विपरीत अवस्था में भगवत प्राप्ति कर रहा है।